लेने जा रहे हैं, जो मतलब काम ईद के पहले करना चाहिए, हम लोग ईद के बाद कर और रहे हम लोग, हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग एज यूजुअल लेट लतीफ होते हैं। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। सब लगाए हैं। ऐड करना हो तो मिन्हाज को बुलाएं। हम सब। चोरों। एकदम से इतना ज्यादा मौसम चेंज। वॉलपेपर लगा। ये लग रहा है वॉलपेपर यहाँ पे। फाइनली ये पूरा हुआ। क्या कर रहे हो? फिनिशिंग। यहीं पे इकट्ठी हो गई है बस। अच्छा अच्छा क्या हो गई है? कौन से? दिस इज हाउ इट लुक्स कंप्लीट होने के बाद। ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। बट एक चीज़ हो गई थी कि ये बोर्ड के, स्विच बोर्ड के ऊपर आ गया था, बट इसको किसी तरीके से मिन्हाज और शोएब ने इसको फिक्स किया है। तो आज हम लोगों को बहुत सारी जगह जाना है। आज बहुत ज़्यादा काम है, मतलब आज ना प्रोडक्टिव डे होने वाला है कह सकते हैं हम लोग। बट अगर सारी चीज़ें मिल जाएं, अगर सारी चीज़ें टाइम पर हो जाएं तो उसी के लिए मैं सबसे पहले फटाफट से रेडी होने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने बहुत दिनों से अपना स्किन केयर नहीं करा है, तो मैं आज लगाने वाली अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी। बट देख रहे हो आप कितना ज़्यादा ऑयल होता है हमेशा फेस पर, नो मैटर कि आपने कितनी बार फेस वॉश कुछ भी यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको टिश्यू से दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ऑयल है इस टाइम पर फेस के ऊपर। जस्ट डैब कर रहे हैं इस तरीके से। सबसे ज़्यादा ऑयल होता है हमारे फॉरहेड पे। ओ माय गॉड, ये देखें, ये आपको दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से स्पॉट्स, ये हैं ऑयल के, जिससे कि ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल होते हैं। तो एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करने के लिए मैं फेस पर लगाने वाली हूँ ये मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट, जो कि नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी थी और उसमें मैंने रोज़ वाटर डाल करके इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। तो हाफ ऑफ द पार्ट पर मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ पहले तो। यू कैन यूज एनी ब्रश ऑल्सो, बट मैं इसे फिंगर से लगा रही हूँ। जितना ईजी फिंगर से लगाना होता है उतना ईजी कुछ नहीं होता। तो मैंने इसको हाफ ऑफ द फेस पर लगा लिया है। अब इसको हम 10 मिनट्स तक छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। एंड अदर हाफ ऑफ द फेस पे मैं लगाने वाली हूँ मामा अर्थ की मुल्तानी मिट्टी रेंज। सो दिस इज मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश एंड मामा अर्थ की मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। 10 मिनट्स के बाद ये देखिए इतना सूख गया है, मतलब 70-80% तक ये ड्राई हो चुका है। अब अदर ऑफ द हाफ फेस पर मैं मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश लगाने वाली हूँ फॉर ऑयल कंट्रोल एंड एक्ने। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा ना स्टिक जैसा हो गया, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है उतने अच्छे से। सो इसको लगाती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक टाइप है। एज यू गाइज नो कि इसमें है मुल्तानी मिट्टी, जो कि एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फाइट्स एक्ने। नेक्स्ट इसमें है बुल्गारियन रोज, जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा आपके स्किन में एंड ऑल्सो सेव्स स्किन फ्रॉम ओवर ड्राइंग। इसमें है नाइसिनमाइड, जो कि इवन स्किन टोन प्रोवाइड करेगा। एंड ऑल्सो इसमें है वाइटमिन ई, जो कि मॉइस्चर को लॉक कर देगा एंड प्रमोट्स इवन स्किन टोन। एंड मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं विद नो पैराबेंस और हार्मफुल केमिकल्स। सिंपल वाटर के साथ मैंने फेस को वॉश कर दिया है एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। एंड जिस साइड पे मैंने फेस वॉश लगाया था वो काफ़ी ज़्यादा प्लम्प हो गया साइड की स्किन एंड हाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो गई है। तो जैसा आपको मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको सेम बेनिफिट्स इस वाले फेस वॉश में भी मिलेंगे, बट इन अ क्विक एंड कन्वीनियंट वे। एंड इसके रेगुलर यूज़ से आपके जो भी एक्ने एंड ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है वो भी कम करने में हेल्प करेगा। इवन टोन आपकी स्किन मिलेगी। ऑल्सो इट्स लीविंग द स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड रिजनवेटेड। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। इसका जो टेक्स्चर है ना थोड़ा सा क्रीमी है एंड इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि इसमें भी वही सेम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फेस वॉश में यूज़ किए गए हैं। एंड इसकी एप्लीकेशन करना भी बहुत ज़्यादा सुपर ईजी एंड कन्वीनियंट है फॉर दोज एक्स्ट्रा स्किन केयर डेज व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ रिलैक्सिंग मास्क। सो गाइज आपको ये जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ में आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने घर के पास वाली शॉप से। तो अब आपको ऑफलाइन स्टोर जब भी दिखे अपने घर के पास या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो यहाँ पर आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मास्क को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है एंड बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है मेरा फेस। तो जैसा कि आपको पता है कि मामा अर्थ हैज़
प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव ऑन। तो जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं मामा अर्थ के साथ, ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं एंड दे एम कि ये लोग 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को ग्रो करेंगे, लाइक प्लांट करेंगे। ऑल्सो आपको ये सारे ही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन लेते हैं तो इनकी ऐप पर से जाकर के ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल सब पर अवेलेबल है, वहां से जाकर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज *2023 टू गेट 20% ऑफ। तो सभी के प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक करना मत भूलना। तो अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा मेकअप करने एंड ड्रेस चेंज कर लेते हैं। आज मैं पहनने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी चिकनकारी कुर्ती एंड यू गाइज डेफिनेटली लव दिस। तो चलिए मिलती हूँ। यार से पावर बनाते हैं भाई। हाँ, ये वाली 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 नहीं, क्योंकि हम फूल पत्ते लेने जा रहे हैं तो फूल पत्ते तैयार हो गया। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पेड़ लाने, बहुत तरह तरह के पेड़ लेके आएंगे आज, फिर घर भर में लगाएंगे पेड़। पापा लुधियाना से 5 गमले लेकर आए हैं, तो हम लोग पौधे लेने जा रहे हैं, जो मतलब काम ईद के पहले करना चाहिए, हम लोग ईद के बाद कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग एज यूजुअल लेट लतीफ। तो सिर्फ पौधे नहीं और भी बहुत सारे काम हैं आज हम लोगों को। तो बस हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं और निकलने वाले हैं, तो लेट्स सी कि क्या क्या काम हो पाते हैं और क्या क्या नहीं हो पाते। चलिए चलते हैं। हेलो, हमें लगा था इतनी हिम्मत है ना अगले फोन करने। पिछले कितनी देर से रुके हम लोग? पिछले 15 मिनट से हम लोग रुके हुए। क्रॉसिंग खुली नहीं रही है। तो हम लोग आ गए पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे लंच हो गया। हमें वेट करना पड़ेगा 1/2 आवर तक के लिए और इतना ज़्यादा आज तो ट्रैफिक। हम लोग इस टाइम पे पहुँचे ना जब स्कूल बसेस सब जा रहे हैं। बेचारा मीना आज लाइन में लगा है, हैरान परेशान। हाँ और क्या, चलो फिर हम थोड़ी देर में आएंगे। चलो शुक्र है कि एक काम हो गया, बहुत सारे काम बाकी हैं स्टिल। मैडम जी कुछ देंगी? छुट्टा नहीं है तो। दोनों भाई बहन एक जैसा है, देखा, इसको कहते हैं लस्सी। सूखे अंगूर मेरे में ना डलवाना, मेरी गाड़ी का दुपट्टा है। हाँ यार, इतना अच्छा तो बनाया बेचारे ने। मिनाज एक पैक करा लेना पापा के लिए। भाभी हाँ, मुनक्का ले दो, दे दो। वाह, सास लग रहा है उसका लड़का होगा ये। कैसी है? तुम बताओ, हमने तो बचपन से टेस्ट नहीं करा ना। हमने तो बचपन से टेस्ट किया, तुम बताओ। अच्छा है। अच्छा है। क्यों? ये देखो शोएब का स्कूल, यहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई है। अल्लाह, बहुत ज्यादा अंदर है इसके। और तुम्हें कोई और अच्छा वो नहीं मिला ना एंगल? सबसे गंदा वाला ही दिख रहा है। इस वीडियो में 2-3 कमेंट आएंगे। इस स्कूल में मैं भी पढ़ता था। ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अगर सामने से लेंगे तो ज्यादा अलग आएगा। मैं भी गया उसके अंदर, कभी गई हूँ। मेरा नाम लिख के इसमें रखा होगा, अमर हो गया हूँ। ओहो बस करो, सच में कैसे? स्कूल में ना टॉपर्स की एक वो आती थी प्लेट। वो तो हमारे यहाँ भी आती थी, आती है लिखा। आज देखो आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। उस दिन हम लोग आते कितनी ज्यादा भीड़ थी, सारी भीड़ ट्रैफिक में ना, ट्रैफिक में। तुम यहाँ पे बहुत बार आए होगे लेकिन तुमने एक चीज नहीं देखी होगी शोएब, ये आई लव, नहीं वी लव मीठी। हमाम साबुन, आम नहीं खास, सब लगाए हमाम साबुन। आम से लेके खास तक सब लगाए। ऐड करना हो तो मिनाज को बुलाए। हमाम साबुन, सच में इसका ऐड तो आता था, हसन करती थी गजनी मूवी वाली हीरोइन। जेलेटिन केमिस्ट्री में नहीं, इन सब का ना मैन्युफैक्चरर एक ही है, बस इसका ऊपर का जो पन्नी है ना वो चेंज है बस।
मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह की, ब्रांडिंग बस डिफरेंट है। जिस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था साबुन बनाने का फार्मूला यही होता है। क्या ये नहीं यार ना, अब सारे थोड़ा रुक मुड़ गया हम लोगों का। उस दिन आते हुए लाइट कटी थी और आज आज भी जाते हुए लाइट कटी थी। चलो मिनी मेट्रो से खिलाई। क्या हुआ, नहीं खा रहे पापा? अच्छी नहीं लग रही। अरे यार हमारे यहाँ खट्टा खाने वाले बहुत कम लोग हैं। मम्मी को भी नहीं पसंद खट्टा खाने वाली है। और मैं मतलब मुझे तो चाहे जितना मिल जाए, मैं तो बहुत ज्यादा ही खाती हूँ। मम्मी को भी नहीं पसंद, गुलशन भी बहुत ही कम खा पाती है, पापा बिल्कुल भी नहीं खा पाते। और मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी नॉट मदर इन लॉ, उन्हें भी नहीं खट्टा पसंद। बहुत तेज बारिश आने लग गई। चोरों एकदम से इतना ज्यादा मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लग गई। पिछले वाले तो नहीं गए कहां थे, चले क्यों जाते नहीं? हां मां बड़ा बड़ा कहां थे, बड़ा बड़ा हम तो भी तैयार ही। हाँ हाँ चलो बैक आ गया। लेकिन दादा सब भी नहीं है, अगर कमजोर रखो तो ठीक है। वो फिर दादा डाल लो बुरा साइकिल साइकिल दादा गिर गए। मुझे तो सच में बहुत मिली, सही में से सबसे ज्यादा मिल गए हम का और ज्यादा मिले। ये दादा छुली का ये फ्रेश आम है भाई, ये देख लो सच में बड़े बड़े भाई। चलो चलो यार, सच में बहुत ठंड लग रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत बहुत। बहुत तेज बारिश, बहुत तेज हो गई है। और हमारे यहाँ कुछ गायक हैं जो कि अपने टैलेंट दिखा रहे हैं, जो गा गा के खिड़की के शीशा तोड़ रहे हैं। मेरी धड़कन हम सब की छेने का रसगुल्ला आते हो, छेना होगा कहा जो दूध फाड़ के बना था, छेना ही कहा। हाँ तू ये नॉर्मल, ये अलग रसगुल्ला है, ये छेने वाला है भाई। रसगुल्ला रसगुल्ला है, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सफेद रसगुल्ला जो होता है वही होता है, सफेद छेना सब बराबर होता है। एक छेने वाला रसगुल्ला होता है, एक नॉर्मल रसगुल्ला होता है, गोल गोल छोटा छोटा। हाँ, वो अलग होता है, वही छेने वाला। छब्बीस जनवरी ये गुलाब जामुन है, वही छेने वाला सफेद वाला। नहीं समझ रहे तुम लोग, सो गए। बहुत गलत। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और यहाँ पे लड़ाई हो रही रसगुल्ला और छेने वाले रसगुल्ले के बीच में अंतर क्या होता है, आप लोग बताओ अगर आपको पता है कमेंट्स में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बताना जरूर। हाँ हाँ जरूर बताना, ये कमेंट्स पढ़ता रहता है आपके, मिनहाज पूरे कमेंट्स पढ़ता है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।